हमारे बीच में भाई अर्जुन दुकारा जी हैं जो हरियाणा प्रदेश के युवा दलों की धड़कन है और हमेशा उसी दिन से किसानों के बीच में रहते हैं। लगातार किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या जरूरियात है, किसान आंदोलन में लगातार हर जो भी चाहे टीकरी बॉर्डर है, चाहे कुंडली बॉर्डर है, चाहे साझा बॉर्डर है, चाहे ढासा बॉर्डर है, हर बॉर्डर पे इन्होंने भी अपनी युवा टीम के साथ जाने का काम किया। और मैं प्रार्थना करूंगा माननीय अर्जुन जुगाड़ जी से, वो आए और माननीय किसान नेता राकेश टिकैत का, उनके साथियों का यहाँ पहुंचने पर उनका स्वागत करें, उनका धन्यवाद करें। माननीय अर्जुन जुगाड़ जी, राम जी, बहुत ही आदरणीय और सम्मानित मंच पे विराजमान किसानों की आवाज माननीय राकेश टिकैत जी, उनके साथ आए माननीय युद्धवीर सिंह जी, साथ ही साथ सभी सम्मानित मंच, मेरे पिता तुम्हें बुजुर्गों और हम उम्र साथियों, सबसे पहले यहां पहुंचने पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। टिकैत साहब का और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारियों का स्वागत करना चाहता हूं कि वो अपने कीमती शेड्यूल में से समय निकाल कर आए। और क्योंकि आप सभी या कई घंटों से बैठे हो तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं एक दो बातें हैं वो जरूर आपके बीच रखूंगा। सबसे पहले आज हम सभी का यहां एकत्रित होने का बड़ा ही अहम कारण है। जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करें, चाहे हम टीकरे बॉर्डर की बात करें, शाहजहांपुर की बात करें, पलवल की बात करें, गाजीपुर की बात करें, चार महीनों से सारे देश से किसान आकर आज इन बॉर्डरों पर बैठे हैं, क्योंकि हम केवल ये काले कानून के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि इन साढ़े चार महीनों में 350 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि केंद्र की सरकार जहां पर इतनी मृत्यु हो रखी है, इन मृत्युओं को वो मानते नहीं है। बड़ी इन्होंने बात कही हरियाणा के मंत्री ने कि भाई इनकी तो मृत्यु वैसे भी होनी थी, या बॉर्डर पे होगी तो क्या बड़ी बात है, लेकिन सुविधा प्रदान करने का काम करती तो यहां पर कभी इतनी मृत्यु ना होती। इस चीज को ध्यान में रखते हुए चौधरी अभय सिंह जी जब यहां पर आए थे तो उन्होंने देखा कि यहां पर किसी भी बॉर्डर पर मेडिकल सुविधा की बड़ी कमी है। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे और मेरी धर्मपत्नी को, क्योंकि वो स्वयं खुद डॉक्टर है, और उन्होंने कहा कि भाई यहां पर मेडिकल सुविधा हमें प्रदान करनी चाहिए। मैंने एक चीज देखी कि भी हमारे जो किसान साथी है आज जगह जगह से लोग बिजली, पानी, कंबल, राशन सब चीज में मदद करते हैं, लेकिन मेडिकल सुविधा यहां पर आज तक नहीं पहुंची। तो उन्होंने ये जिम्मा लगाया हमारे कि बेटा यहां पर तुम अस्पताल बनाने का काम करो और बड़े चौधरी साहब जिंदा चौधरी देवीलाल के नाम से इस अस्पताल को चलाने का काम करो, और कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं बनाना, कम से कम 40 बिस्तरों का एक अस्पताल बनाने का काम करो। और आज हम सभी उस अस्पताल के उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सभी डॉक्टरों का, सभी नर्सों का, जो अपने अपने कॉलेजों से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ करके आज किसानों की सेवा करने के लिए आए हैं। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सभी डॉक्टरों का, जो अपनी प्रैक्टिस बीच में छोड़ करके आज किसानों की सेवा करने के लिए यहां पर आए हैं। बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए, क्योंकि जहां एक केंद्र की सरकार इस देश के किसानों को बदनाम करने पर लगी है, कभी कह देते हैं ये आतंकवादी है, कभी कह देते हैं ये देशद्रोही है। मैं बताना चाहता हूं सरकार को, देशद्रोही नहीं, हम इस देश के किसान हैं। हम जो
जो इनकी थाली में अन्न जाता है ये हमारे देश का किसान उगाता है, जो इनकी थाली में खाया जाता है ये अपने दफ्तरों में बैठ करके हमारे ऊपर कानून बनाने का काम करते हैं। उनको याद दिला दूं, इनका पेट इस देश का किसान भरने का काम करता है। बड़े दुख की बात है कि केंद्र की सरकार आज जो 350 किसान शहीद हुए हैं आज उनके लिए कुछ भी करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन चौधरी सिंह जी ने फैसला करा है कि भी हम जितने भी साथी हैं और हमने 37 से ज्यादा किसान जो हरियाणा से हैं हमने उनके घरों तक जाने का काम करा है, उनका पता निकालने का काम करा है और जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ में उनके परिवारों को एक एक परिवार को उन 37 परिवार को परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का काम करेंगे, हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने का काम करेंगे। साथियों मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा खास करके मेरे युवा साथियों को कि ये जो लड़ाई है जो हमारे यहां बुजुर्ग बैठे जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं ये हमारे भविष्य की लड़ाई है। आज ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी जा रही कभी कोई एक साल पीछे इन कानूनों को आगे कर दिया जाए, दो साल पीछे इनको कर दिया जाए। आज हम ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं ताकि इन कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाए और MSP पर एक नया कानून बनाया जाए। और हमें बड़ी गर्व की बात है कि हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान से जितने किसान आए हैं उन्होंने सारे उत्तरी भारत में एक भाईचारे का प्रतीक बनाया है। जहां सरकार सोचे बैठे थी कभी ज्यादा दिन एक आंदोलन नहीं चलेगा आज हमारे प्रदेश के और देश के किसानों ने सरकार को एक मुंह पर थप्पड़ देने का काम करा है, इनके आजादी खोलने का काम करा है। इस सरकार को भी आज पता चला है कभी कितना भाईचारा हमारे देश के किसानों में है। मैं तो आप सभी से एक चीज कहूंगा कि आज सभी साथी मिल करके कसम खाओ, अपने दोनों हाथ ऊपर दिखा करके मुझे एक एक कसम खाने का काम करो कि जब इस केंद्र सरकार का कोई मंत्री तुम्हारे भी चाहने का काम करेगा, इस BJP सरकार का JJP सरकार का कोई मंत्री तुम्हारे भी चाहने का काम करेगा। इनमें अपने काम में ना पड़ दी हो, ये झूठे लोग हैं, ये झूठे वादे करके आपके बीच आए हैं, इनको बंद कर दो, इनको इनके घरों से बाहर निकलने से रोकने का काम करियो। साथ ही साथ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी मेरे साथ मिलकर के माननीय लकेश सिंह जी का स्वागत करें। एक बार सभी किसान साथी मिलकर के मेरे साथ एक बार नारा जरूर लगाए, जय जवान जय जवान। साथियों एक नारा और लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ये सोचते हैं कि ये सच्चे देशभक्त हैं, ये भारत माता की जय का जब नारा लगाते हैं इनको लगता है कि भी हम देश के बातनी हैं। ये जितने भी ये गेरुआ रंग बैठ के केंद्र में मंत्री बैठे हैं इनको याद दिला दो कि इस देश के अगर सच्चे भक्त कोई है तो इस देश के किसान है। मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और साथ ही साथ मैं माननीय राकेश सिकैत जी का स्टेज पे उनको बुलाना चाहूंगा लेकिन उससे पहले मैं राकेश सिकैत जी से मेरे एक अनुरोध है कि हमारे भी जितने डॉक्टर आ रखे हैं आप एक बार सब मिल करके आप उनको चिन्ह दे करके आप उन सभी को सम्मानित कीजिए, उन सभी का स्वागत कीजिए। सबसे पहले हमारे डायरेक्टर डॉक्टर मंदीप जी मैं उनको मुख्य बुलाना चाहूंगा। Yeah!
डॉक्टर मनीष पूरिया को मैं आपको बुला जाऊंगा। सुदर्शन को मैं आपको बुला जाऊंगा। डॉक्टर सुदर्शन, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर हरप्रीत, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर धर्मवीर और डॉक्टर जय सिंह, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप आइए, एक एक करके आप मंच पर आइए। डॉक्टर करमवीर है, डॉक्टर जय सिंह, साथ ही साथ मदद करने के लिए आए मदान जी, हरपाल जी, रजनी मैम और विनोद मैम को भी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। साथ ही साथ इस सभी अस्पताल के आयोजन करने वाले मैं डॉक्टर जैस्मिन संधू तोड़ाला को भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर स्वाभिमान सिंह को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। और साथ ही साथ जितनी भी नर्सें आई है मैं एक एक करके आप सभी का नाम लूंगा। आप सभी, क्योंकि समय की हमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप सभी मंच में इकट्ठे आ जाइए। नर्स गीतरी, कीर्ति, अमनदीप, कंचन, प्रियंका, सरिता, कौशल्या, प्रियंका रावत, स्वाति, शारदा, मनीषा, एनी, शिवानी, तमन्ना, अनीता, पूनम, दीक्षा, काजल, पूनम, कविता, समीक्षा, ज्योति, दिव्या, राजेश, अरविंद, राखी, आशीष, पिंकी, मनोरा, उषा, मुकेश, यशवंत, लक्ष्मी, मीनू, अमनदीप, उत्तम, सूर्यकांत, कृष्ण, सोनिया, विजेंद्र और दिवेश। किसी भी साथी का अगर नाम रह गया हो तो मैं माफी चाहूंगा। आप सभी भी जितने भी लड़के आप सभी स्टेज पर आए। सभी जितने भी हॉस्पिटल का स्टाफ है उनको माननीय राकेश टिकैत जी ट्रॉफी देगी, एक आशीर्वाद देगी, सम्मान करेगा। उन सबके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान, जय जवान। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब मैं अजय पीछे दो सभी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महिला और जो पीटीए की टीम है स्टाफ से सभी का धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा
हमारे बीच में किसान नेता पहुंचे तो बिना की शिकायत ही बोले, उससे पहले मैं प्रार्थना करूंगा भाई अर्जुन गोटाला जी से और डॉक्टर जैसमिन जी से और हमारे पूरे विधायक नफर सिंह राठी जी से, वो आए और अपने किसान नेता खुद राकेश टिकेट का गुलदस्ते से स्वागत करें, मान के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। किसान एकता, किसान एकता। अब मैं प्रार्थना करूंगा खुद राकेश टिकेट से वो आए और प्रश्न लगे आप लोगों को से मान्य खुद राकेश टिकेट की। काम की बात सुन लो, आपकी कोई सहन हो गया हमें आदरणीय बच्ची अर्जुन चौटाला जी और सबल साफ है आप में और अरे रुक जा भाई, अरे सबसे ज्यादा आगे बैठे और शोर सबसे ज्यादा नमा करो। तो देखो ये एक बहुत बढ़िया पहल यहाँ पर करी है। हॉस्पिटल तो दूसरे भी चलते रहते थे कि दवाई दे दी वो भी चलते रहते हैं, लेकिन जिस तरह का हॉस्पिटल बनाया है ये तो ऐसा लगता है कि जैसे बाहर पहाड़ों में जा रहे हो घूमने और वहां पे मकान नहीं है, टेंट में हमको पूरी व्यवस्था चलानी। चलो इनको चार महीने बाद भी समझ आई तो इनका धन्यवाद भाई चौटाला परिवार का, चार महीने बाद आए तो ये खुल कहा गए, बहुत लोग खुलते नहीं। हमने तो सबको कहा भाई आप मदद करो, जो मदद करेगा हम उसका धन्यवाद देंगे। बीजेपी के लोग आए कम्बल बांट के 1000 कह लगे नाम बताइयो ना, नहीं तो हमारा इलाज हो जाएगा। फल बांट जा दे जा मगर चलो नहीं बताने के भाई, जो मदद कर रहा है भाई धन्यवाद नहीं हम बताने के। तो बहुत लोग वैसे मदद कर रहे हैं और ये एक इनकी अच्छी पहल रही और ये लड़ाई तो लंबी चलेगी। सर्दी में शुरू हुई, बरसात लोगों ने देखी है, तूफान लोगों ने देखे, अभी गर्मी और आएगी, तूफान आएगा, बारिश आएगी, फिर सर्दी आएगी। तो आंदोलन ये लंबा चलेगा, आंदोलन जाके नवंबर और दिसंबर तक चलेगा। तैयारी तैयारी नवंबर और दिसंबर तक की रख रही सरकार। तो ये सोच रही थी ना कि ये अब चले जाएंगे गर्मी आ जाएगी चले जाएंगे, इन्हें ये नहीं पता कि किसानों को गर्मी भी चाहिए, गर्मी ठीक होगी तो जब अभी तो गेहूं की कटाई होगी। हमारा जी लग चुका है। अच्छा यहाँ के जाने के बाद में जब यहाँ से चले जाओगे तो जो मेल मिलाप हुआ है इसके लिए हो गया कि भाई हम कहाँ मिलेंगे फिर, ठीक है। ये जितना तंग कर रहे हैं, जितना सरकार धूप में तपा रहे हैं ना हमको, ये यहां से जो गुस्सा लेकर जाएगा वो बिल्कुल ठीक कहा जो गवर्नर साहब ने कहा था मलिक साहब ने कि 300 साल तक भी नहीं भूलेगा ये किसान। जितना उनको तंग करा जा रहा है ना ये याद रखेगा इसको, और जब आपके लोग गांव में जाएंगे तो उसका क्वेश्चन जरूर करेगा। ये मसला कोई पंजाब और हरियाणा का, दिल्ली के आसपास के स्टेट का नहीं है, ये मसला पूरे देश का है। हम अभी कर्नाटक में गए 3 दिन, वहां पर है युद्धवीर सिंह और हम थे, हमारी पूरी टीम वहां पर थी। तो हमने कह दिया भाई जो आपके ट्रैक्टर है इस पर बम्पर लगाना सीख दो, तो मुकदमा दर्ज कर दिया, यहां पर भड़काऊ भाषण दिया भाई, ट्रैक्टर पे बम्पर लगा के कौन सा भड़काऊ भाषण हमने कह दिया। हमने तो उनको ज्ञान ही तो दिया भाई आपको बड़ी फसलें बेचनी है,
प्रधानमंत्री ने कहा है कि मंडी के बाहर आप अपनी फसलों को बेच लो, जहां पर बढ़िया दाम मिले वहां पर बेच लो। तो हमने उनको ज्ञान दिया कि सबसे बढ़िया फसल जो आपकी बिकेगी डीसी डीएम और पुलिस के थानों में बिकेगी, अपना भाई वहां बेचना, यही तो कारण है। वहां पर कोई रोकेगा तो उसका तो बैरिगेटिंग होगा, बंपर लगा हुआ ट्रैक्टर ही बैरिगेटिंग को हटा देगा, काम करेगा। तो मैं कहा जी भड़काने का काम करा आपने, तो हमने कहा भड़का दी, हमने तो बताया उनको जो यहाँ का तौर तरीके है, हमने तो वो उनको बताया है। तो पूरे देश में आंदोलन है, इस आंदोलन की पूरे देश और पूरी दुनिया में चर्चा है। जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा पूर्ण रूप से, जब तक ये किसान तो जाने वाला है नहीं, अपना टेंट में यही रहना, एक फट जाएगा दूसरा बना लगा, बरसात आएगी वो गेर तो ऊपर उगेर लगा, मैंने अभी देखा कूलर लग रहेगा मोसान अपने जो घर पे है, कूलर मच्छरदानी सब आने लग रहे हैं। तो अपने गांव से जरा मिट्टी हो लिया करो भाई, घर की याद आने लगे तो उसे देख ले करो वापस हल्ला करो, जब घर से आना जाना है तो एक मुट्ठी मिट्टी जाकर यही रख ली, तभी हो सकेगा अकेले दुकान में भाई फार्म की घर की याद आ जाए तो उसको अपना देखोगे तो उसी में शिष्य की तरह पूरा घर दिखेगा, पूरा खेत दिखेगा उसी में, तो जाकर रख ले करो उसको, ठीक है, वो भी काम कर लो, हो जाए यहाँ तो आ जा भाई। किसने किसी के मुझे था एक वो बुढ़ा था, मेरा पोते की शादी है, मैं जाऊं मका भाई और हूं मुझे छोड़ के जाएगा, मुझे छोड़ के जाएगा, कहने का नहीं जाने का, मगर जाकर जरूर पोते की शादी है, तुम कहा चले दिए चार दिन के लिए। तो ऐसे जा रहे लोग जैसे छुट्टी पे जा रहे हो, बुजुर्ग लोग उम्र है 85 साल, यही है कि लगे 19 तारीख की शादी तो मुका चले दीजिए 5 दिन के लिए, और पूरा खुश होगा कि 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो यह है कि आंदोलन भाई लंबा चलेगा, आप लोगों को खासकर जो हरियाणा है, हरियाणा ने जिस तरह से मदद करी है तो इसको तो कोई कहने के शब्द ही नहीं है। जिस तरह से पंजाब आया, हरियाणा आया, उत्तर प्रदेश आया, साथ में राजस्थान मध्य प्रदेश सब लोग आ रहे, तो ट्रेन नहीं चल रही, बहुत जनता आपकी। हमने कहा कि आंदोलन वहीं शुरू करो, सवाई माधोपुर में चले गए स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने कहा कि दो जगह धरना चल रहा, मतलब हजारों जगह धरने चले हुए हैं। जो संयुक्त मोर्चा कॉल करता है, जो मैसेज देता है, उसमें पूरे हिंदुस्तान भर में काम होता है, यहां पर नहीं खबर आती। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, जब आप भी जाओगे, आपके रिश्तेदार होंगे, जानने वाले होंगे, तो वे आपको बताएंगे कि जो कौन संयुक्त मोर्चा देता है दिल्ली से, उसको लोग फॉलो करते हैं। तो यह है कि हम भी काफी लेट यहां पर आए, लेट था, 3 बजे का तो टाइम ही नहीं था, अब किसने टाइम दे दिया, क्योंकि मेन 24 में प्रोग्राम था तो 3-4 बजे तो मीटिंग खत्म हुई, 2 दिन और चले गए, तो हमने तो 5-6 बजे के आसपास तक आया था, मगर 6 बज जाएंगे, 6 से ही है कि 6 का 7 बज जाओ अपना दिन छिप जाएगा, लाइट जल जाएगी, 2-2 रोटी हम भी यही खाकर अपना वापसी चल जाएंगे। हाँ तो भाई धन्यवाद आप सबका, और भाई डॉक्टर साहब का भी, और भाई आपका भी, अपना चलाओ जो कोई बात नहीं अर्जुन, हाँ अर्जुन चौटाला अपना काम करो, अपना जो कुछ रोड काम करते रहो भाई, आपका परिवार तो लगा रहता है चौधरी, और आपकी तो भाई देखो ये भी वो है कि चौथी पीढ़ी पीढ़ी मतलब चौधरी देवीलाल जी और इनके बाबा जी चौटाला जी, और तीसरी ये चौथी, हाँ चौथी आई, और फिर वह 5वीं 6वीं लोग को काम करेंगे। हाँ ये भी बड़े थे देवीलाल जी, तो उस तरह की शख्सियत तो नहीं होती जब बुजुर्ग लोग होते थे पहले, वे पूरे गांव की विचारधारा का पता था उनको, तो आप वही काम करो, ऊपर लेवल ने आपको दिया है कि आप ये काम कर सकते हो तो आप करो, दूसरे लोग भी और लग रहे, पूरा हरियाणा लग रहा, लस्सी जाता है, दूध लगता है, सब्जियां जाता है, पूरा पंजाब लग रहा, और भी बहुत लोग रहे, तो जो भी दानदाता है, जो काम कर रहे हैं भाई, धन्यवाद है सबको, कोई मच्छरदानी नहीं दे रहा, कोई तो चीज दे रहा, और ये मेडिकल फैसिलिटी आप दे रहे तो इससे बड़ा पुण्य नहीं कुछ हो सकता, तो आप इस पे काम करो, और समस्त जो स्टाफ है, जो नर्स है, जो बच्चे हैं हमारे,
तो मैं बुझा डॉक्टर साहब से भाई इनका रहने का इसका वो आप ठीक करोगे तो इनका भी मन ठीक लगेगा, इनका रहने की ठीक व्यवस्था हो जाएगी तो बच्चे तत्पर छह दिन अपना काम करते रहेंगे, अपने कोर्स भी करते रहेंगे और लोग उसे क्योंकि जरूरत है आज लोगों को। तो आपका धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और जो यहाँ के जो लोग हैं अपना भाई सबको धन्यवाद, अपना लंगर चखो सब लोग और हम भी अपना निकलेंगे कल फिर करना ले परसों भी है। हम हर रोज एक मीटिंग करते हैं, रात को सब दिन में मीटिंग, रात को सब दिन में मीटिंग। आप भी लंगर चखो अभी लेंगे। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता।